हाय फ्रेंड्स मैं बेहू मानव वेलकम टू हंस इसलिए रहा कि लेट नाइट होने के बावजूद भी ना मुझे लाइट हार्टेड हो और लकी बहुत जबरदस्त है आ, हमेशा से ही मुझे एंटरटेन किया है इसने चाहे वो सीजन वन हो चाहे सीजन टू हो क्योंकि एक ना लड़कपन का जो इसका एंगल है चाहे वो कितना भी नकली लगे इसका कॉलेज आपको काफी ज्यादा मजा आता है चाहे वो ट्रिपी हो करण हो और चाहे नायरा हो इनकी जो तीनों की फ्रेंडशिप है कोर तीन लोगों की वो बहुत बढ़िया मेरे को लगती है स्पेसिफिकली जब मैंने ये देखना शुरू किया था सीजन वन मैंने देखना शुरू किया था ट्रिपी से और सीजन टू तक आते आते मैं बग्गा का सुपर फैन बन गया था जिस तरीके का ये एक बेशरम एक्टर है ना सुपर है और जिस तरीके से इनके रिलेशनशिप डायनामिक्स दिखाए हैं तीनों दोस्तों की दोस्ती आपस में ईर्षा फिर इनकी सपोर्ट और फिर इनके जो आगे रिलेशनशिप हैं चाहे वो टिपी और रवीना के हों चाहे उनका लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है सीजन टू में आते आते करण और दीपिका का होना शुरू हो जाता है ऐसा ही फन आपको देखने को मिलेगा सीजन थ्री के अंदर भी खूब लचांड है इसके अंदर भी खूब गाली गलौच है गाली नॉर्मल है मतलब लड़कियां भी गालियां दे रही हैं साथ ही साथ में जिस तरीके से आप बग्गा का आगे रिलेशनशिप और दिखाया गया है वो आपको काफी ज्यादा एंटरटेन करेगा कैसे दोस्त साथ में खड़े हो जाते हैं नायरा के लिए वो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा नायरा का कैरेक्टर हमेशा से थोड़ा सा इस तरीके के दिखाया गया कि वो ऑन द ब्रिंक ऑफ कंप्लीटली ओपनिंग अप होती है तो मुझे ऐसा लगा कि नायरा अब सीजन थ्री के अंदर बिल्कुल ही ओपन अप हो गई है तो ओवरऑल बेसिस पे इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं जैसे कि ये सीरीज होती है सिर्फ पांच ही एपिसोड होते हैं अच्छा फन आपको मिलेगा कॉलेज आपको अभी भी रियल नहीं दिखेगा जबरदस्ती की फाइट भी होंगी जबरदस्ती की पार्टियां भी होंगी सब कुछ होगा और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना एक जो रवीना है वो थोड़ा सा आपको नकली भी दीपिका सॉरी थोड़ी सी नकली भी आपको लगेगी लेकिन जब ये चीज़ें जो सी हो रही हैं जिस तरीके के डायलॉग बाजी हैं जो इश्यूज पे लेके ये डिस्कशन कर रहे हैं चाहे उसके आसपास सब कुछ नकली है लेकिन रियल इश्यूज हैं डायलॉग्स जो हैं वो बड़े कॉमन लैंग्वेज वाले हैं जो काफ़ी लोगों के साथ रिलेट कर जाएंगे और गाली इस तरीके से यूज़ करेगी है मैं तो ये बोलूंगा कि ये गाली गाली है ही नहीं ये बेसिकली एक स्लैंग है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के लिए जो फिलर यूज़ करा जाता है ना बिल्कुल वैसा है तो इट कनेक्ट विद पीपल सीजन वन सीजन टू जैसे कनेक्ट किया था सीजन थ्री और अच्छा कनेक्ट करेगा इसके अंदर मुझे जो चीज़ अच्छी लगी कि जो सीजन टू के अंदर थोड़ा करण का रोल ऐसे ऐसे ही था यहाँ पर करण का रोल अच्छा सा ठीक ठाक सा है आ, बग्गा का रोल इंपॉर्टेंट रखना ही था यहाँ पर भी रखा गया अच्छा है और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वुमेन वुमेन की डिज़ायर्स और वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर दिखेंगे ज्यादा बताऊंगा नहीं मतलब वैसे तो मस्ती भरा ये कुछ बता भी दूंगा तो इसमें कुछ सीक्रेट है नहीं तो इट इज़ वन ऑफ दो सीरीज जस्ट फॉर टाइम पास टाइप होती है ना कि आप देख लो बिल्कुल ही अपना अलग से ही देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें गाली गलो बहुत है तो पेरेंट्स के साथ तो आप देख नहीं सकते बेस्ट ये अपने फ्रेंड के घर जाओ और एक जैसे इवनिंग का आउट होता है ना वैसे कर लो और वहाँ पर लगातार एक बार ही चलाओ चिप्स पियो दारू पिजो दारू पी लो या फिर आ, चाय कॉफ़ी पी लो जो पीने का मन कर रहा है कर रहा हो दोस्त के साथ देखो आपको काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट होगी इसको देख के मतलब थोड़ा बडी टाइप माहौल बना के देखोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है बाकी अकेले भी देखोगे तब भी इंजॉय करोगे मैंने बिल्कुल अकेले देखा तब भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया तो मेरा जो मूवी वूवी स्कॉर रहेगा इसके लिए काफ़ी हाई रहेगा हाईली एंटरटेनिंग और गुड मार्क्स गोज टू एक्चुअली द कैरेक्टर्स एंड द डायलॉग्स डायलॉग्स आर वेरी नाइस अगेन ओके कई लोगों को शायद डीमिनिंग भी लगे बहुत गाली गलोज का इस्तेमाल किया गया बहुत ज्यादा ब्लेटेंटली कुछ भी बोल दिया उठा के अब uh, कोई फिल्टर नहीं है अनफिल्टर्ड है और वही शायद इसका प्लस पॉइंट भी मुझे यहां पर लगता है मेरा मूवीज का नाइन आउट ऑफ टेन है uh, जल्दी मिलते हैं एक रिव्यू और अपडेट के साथ डोंट फॉर्क टू सब्सक्राइब द चैनल बाय बाय